हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, स्वागत है आपका रिवीजन लेक्चर्स में, FAA, ओके, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिवीजन लेक्चर नंबर 4। और हम फिलहाल देख रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के MCQs, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको वापस याद दिला दूं शॉर्ट में कि हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। उसके साथ साथ पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, डिसोल्यूशन होता है, और कभी कभी तो इवन दो पार्टनरशिप मर्ज हो गए, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑफ कोर्स हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं देखने, हमारा फोकस एमसीक्यू पे है। तो एमसीक्यू बेसिस पे हमें क्या पूछा जाएगा, तो बेसिकली हमने प्रीवियस एपिसोड में, अगर नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट्स डू अटेंड दिस एपिसोड, हमने एकदम शांति से सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो, मेरा फोकस पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे या बहुत ज़्यादा कंटेंट पे था ही नहीं, ठीक है। लेकिन कंटेंट जितना भी करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पाए। मतलब क्या सर, कंटेंट कम भी करेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। बच्चों में जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 भी क्वेश्चन पढ़ाए तो मैं इतने डिटेल में पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप उसके बेसिस पे 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको, ठीक है। हमें सिर्फ ये क्वेश्चन कंप्लीट करना टारगेट नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर करना हमारा टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल सैक्रीफाइस रेशो है तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट सैक्रीफाइस रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। वो कैसे होता है मैंने वो दिखाया, न्यू रेशो कैसे होता है, ओल्ड रेशो कैसे होता है, सैक्रीफाइस रेशो, गेन रेशो, हम एक एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, करते हैं शुरुआत। स्टूडेंट्स पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या किया था। ये कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों, याद रखना, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता रहा हूँ। माइनर पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है बच्चों, जिसको एग्जम्प्ट किया जाता है लॉस शेयरिंग से। प्रॉफिट रहा तो शेयर करो, लॉस मत शेयर करो माइनर पार्टनर के साथ। नेक्स्ट, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें क्या क्या दिया जाता है बच्चों, क्या फ़ायदा होता है उसका। पहली बात तो एक प्रूफ होता है, अगर झगड़े हो गए पार्टनर के तो प्रूफ होता है। पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़, लायबिलिटीज, सब कुछ उसमें लिखा होता है, ओके। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, बच्चों, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला गया, तो उसको लोन पे 6% इंटरेस्ट पे करना ज़रूरी है, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% देना पड़ता है। नेक्स्ट भाई, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दिया, ऐसा भी होता है बच्चों, किसी किसी पार्टनर को गारंटी बेसिस पे ऐड किया जाता है। मतलब क्या, अगर उसको गारंटी दिया कि मिनिमम तुझे 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उतना मिलना ही चाहिए, ठीक है। और जिसने उसको गारंटी दिया है उसको वो लॉस बियर करना पड़ता है अगर कम प्रॉफिट आया तो, ठीक है। यहाँ पे सी को गारंटी दिया था कि तुझे मिनिमम 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका शेयर आया -2,000, मतलब लॉस था 2,000, ठीक है। तो जो पार्टनर ने गारंटी दी है उसको 12,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि -2,000 में था, +10,000 तक लाना है, तो 12,000 का डेफिशिएंसी फेस करना पड़ा जिसने गारंटी दी है उस पार्टनर को। चैरिटेबल डिस्पेंसरी बच्चों, चैरिटेबल अगर बिजनेस रहा तो क्या होता है वहाँ पे, देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। चैरिटेबल में प्रॉफिट मेकिंग का सवाल ही नहीं आता, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई सवाल नहीं आता। विराट अनुष्का, ये क्वेश्चन हमें ऐसे टाइप का दिया था जिसमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है ओल्ड और न्यू, ठीक है। और बच्चों हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना था, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिंपल सा फंडा याद रखो, अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो पार्टनर के क्रेडिट में लिखो, ओके। आई होप नाउ दिस इज क्लियरली विजिबल। एक्चुअली मैं पिछले क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद इसी पे शिफ्ट होने वाला था, लेकिन नो इश्यूज। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आता है याद रखो, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। अगेन, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा तो वो भी क्रेडिट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पार्टनर को सैलरी दिया, अगर पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को कुछ भी नाम से पैसा दिया तो वो क्रेडिट में आता है। इवन प्रॉफिट का शेयर भी दिया पार्टनर को, बच्चों प्रॉफिट का शेयर देने की वजह से कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट का शेयर देने की वजह से उनका कैपिटल बढ़ता है, तो वो चीज़ क्रेडिट में आती है, ठीक है। तो सर, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या आता है, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, अगेन डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी रहा तो भी डेबिट में आता है, ठीक है।
इवन लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में लॉस हुआ है और हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, तो ऐसे केस में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, कौन सा रिपीट करो, ये कैपिटल अकाउंट वाला क्या? ओके, जस्ट अ मिनट, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नहीं, हाँ ये वो नहीं, ये नहीं, अरे हाँ ये वाला चाहिए था हमें। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ये है आपका सवाल और आपके सामने आंसर ये रहा। देखो बच्चों मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नाम एग्जाम में अलग भी आ सकता है, ठीक है ना? तो समझ लो क्या क्या दिया है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के। पहले क्रेडिट साइड में फोकस करो, ठीक है, क्रेडिट साइड में मतलब डेफिनेटली आपकी राइट साइड में। सो क्रेडिट में देखो बच्चों, आप सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इस पे से समझ गया कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल लाया बिजनेस में, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो भी क्रेडिट में आएगा। साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया हमने, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो कैपिटल इंक्रीज होगा, वो क्रेडिट में आएगा। सैलरीज अकाउंट, पार्टनर को सैलरी दिया भाई उसके लिए फायदे की बात है, कमीशन दिया फायदे की बात है, तो ऐसे सब केसेस में कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट में। और अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। ठीक है, डेबिट में भाई डेबिट बैलेंस, कैपिटल के बैलेंस डेबिट नहीं आते, करंट अकाउंट का आ सकता है, कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं होता। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट, जहाँ पे ड्रॉइंग्स का डी है वहीं पे डेबिट में आएगा। ठीक है, और अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी वो डेबिट में आएगा। क्लियर है मिस आफरीन जी? ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इन केस इसमें भी दो मेथड है, चलो दो मेथड का क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अरे इससे ज्यादा क्या जूम करूं भाई, अभी पूरा क्वेश्चन तो दिखना चाहिए ना, एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं इससे। अब ये तो विजिबल होगा ना सबको, बोलो जल्दी। हाँ ठीक है, तो यस यस बच्चों, मैं भी एक एक क्वेश्चन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन दिखाने की वजह से आपका फोकस भी एक ही क्वेश्चन पे रहेगा और क्लियरली विजिबल भी होगा। ठीक है, एट द एंड वो फोटोज निकाले हुए क्वेश्चन के, तो थोड़ा सा क्लियरिटी में फ़र्क पड़ेगा पीडीएफ के और इसके कंपैरिजन में। नाउ अगर फिक्स्ड टाइम के बाद अगर पैसे विड्रॉ किए, बच्चों इस केस में इन्होंने पैसे विड्रॉ किए 1000 पर मंथ, ठीक है 1000 पर मंथ पैसे विड्रॉ किए, वो भी 6 महीने के लिए, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 3.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने हर महीने के स्टार्टिंग में फिक्स ड्राइंग्स किया है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है, और वो भी साल में सिर्फ 6 महीने में, ठीक है, तो उसको 3.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या था भाई, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ बच्चों, सपोज अब तक हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग था, अभी चेंज कर रहे हैं, तो पहले का जो भी प्रॉफिट है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड वाला प्रॉफिट। नेक्स्ट, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन वगैरह इतना तो नहीं करेंगे। हाँ, ओल्ड सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ओल्ड माइनस न्यू, और गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नेक्स्ट, चलो यहाँ तक ही हम पहुँचे थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स, स्पीड कम है लेकिन ये भी बात याद रखना, स्पीड कम है तो प्रैक्टिस भी कम होगा। ओके, सो इफ
अगर आपका आंसर आ रहा है तो जितना फास्ट आप सपोर्ट करोगे उतना फास्ट हम आगे भी जा सकते हैं। नाउ ए एंड बी, और दूसरी बात यहाँ पे तो ठीक है स्लो मोशन, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप टाइम लगा के ही स्टडी किया करो, ठीक है, टाइम लगा के ही स्टडी किया करो कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन होने चाहिए सो दैट एग्जाम में आप कर सको। ए एंड बी कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है, ए और बी का रेशियो 3:2। आगे देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल इज 1,20,54,000, ठीक है, कैपिटल भी दिए है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ओके, सी को ऐड किया एंड ब्रिंग्स 1,20,000, और उसने 1,20,000 रुपये भी लाए एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल आया। कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सी इज द शेयर, ओके। बच्चों हमें क्या दिया है, ए और बी, आपको पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले तो समझनी चाहिए, फिर क्या पूछा है वो तो आगे की बात है। ए और बी उनका रेशियो है 3:2, अरे यहाँ पे लिखते हैं ए और बी 3:2, ये ओल्ड बात हो गई, ठीक है, दोनों पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो हो गया। नेक्स्ट इनका कैपिटल दिया है 1,20,54,000, नेक्स्ट के बाद सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 1,20,000, ओके, सी को 1/5 शेयर दिया जिसने 1,20,000 रुपए लाए, सी जिसको 1/5 शेयर दिया और वो बिजनेस में 1,20,000 रुपीज लेके आया, ठीक है। आगे कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सी इज शेयर, और हमें बोला गया है कि ए और बी का कैपिटल सी के बेसिस पे मैनेज करे, सी इज शेयर मतलब सी का बेस लेना है और अकॉर्डिंगली ए और बी का मैनेज करना है। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ब्रिंग बाय ए, और हमें कैलकुलेट करना है कि ए को कितना एडिशनल पैसा बिजनेस में लाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों सबसे पहली बात तो ये, अगर इनकी कंपैरिजन करनी है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट मेंटेन करना है, तो सबसे पहले तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। करो दिया है ना 3:2, अरे ये तो ओल्ड है मेरे भाई, ए बी सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ठीक से समझ लो, मैंने पहले भी बताया था, नाउ आई एम टीचिंग फ्रॉम जीरो न्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लेट्स सी भाई। सबसे पहले तो ये कि टोटल शेयर मतलब जितने भी पार्टनर है, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 जितने भी है, सबका मिलके शेयर 1 ही होता है हमेशा फिक्स, टोटल शेयर 1, ठीक है। उसके बाद सी का शेयर हमें पता है, न्यू पार्टनर जो आया है उसका शेयर हमें पता है 1/5, बराबर 1/5 तो उसका शेयर हो गया। नाउ इसके बाद बैलेंस शेयर हम निकालेंगे, बैलेंस शेयर मतलब टोटल 1 शेयर था उसमें से 1/5 तो सी लेकर गया तो बचा कितना 4/5, ये है बैलेंस शेयर। अब ये बैलेंस शेयर किसका है बच्चों, ए और बी दोनों का, तो ए और बी ये दोनों शेयर दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ए इज शेयर और बी इज शेयर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे साथ लिखते जा रहे हो, आप छोटे बच्चे नहीं कि आपको लिखने के लिए बोला जाए, आपको जो रिक्वायर्ड है आप फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है। सो ए और बी ये जो 4/5 शेयर बचा है ना बच्चों, 4/5 बचा हुआ बैलेंस शेयर, ये उनके ओल्ड रेशो में 3:2 में बांट लेंगे। सो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है, 3+2 का टोटल ले लिया मैंने और वो डिनोमिनेटर बना दिया। तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा भाई, ए का आंसर बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, वो ट्वेंटी फाइव, ओके। और अगर हम बात करें सी के साथ अगर कंपैरिजन करना है तो बेस भी 25 होना चाहिए भाई, हम उसी चीज़ की कंपैरिजन कर सकते हैं जिनका बेस सेम हो, ठीक है। तो बेस सेम करने के लिए इसको कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 नीचे और ऊपर कौन सा नंबर लूँ फिर, एग्जैक्टली 5/5 मतलब 1, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बॉस, तो 5/5 तो आंसर इज 5/25, तो इनका रेशियो मिल गया हमें
तो हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों के बीच में, 12:8:5, 12:8:5, ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें बोला हुआ है बच्चों, वी हैव टू मैनेज द कैपिटल बाय टेकिंग बेस ऑफ सीज शेयर, सी का बेस लेना है हमें, ठीक है। अब सी का कैपिटल है कितना, 1,20,000 ना, हाँ ये वाला नहीं, सॉरी ये आगे दिया, देखो सी इज एडमिटेड फॉर इज 1/5 शेयर और उसका कैपिटल है 120,000। ओके, तो अगर मेरे लैंग्वेज में बात की जाए, थोड़ा टेक्निकल ना जाते हुए, देखो भाई इसको 5 टुकड़े दिए हैं, बराबर। 5 टुकड़े कितने में दिए, 120,000 में, तो एक टुकड़ा कितने का, 1,20,000। यस, आंसर मिल गया मुझे 24,000, ठीक है। तो भाई ये जो ए पार्टनर है, ए की बात चल रही है, ए के पास कितने टुकड़े हैं, 12, तो उसको 24,000 × 12 इतना कैपिटल रखना पड़ेगा, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 48 आ गए 4, 12,000, 24 और ये 4, 28 हो गए, 2,88,000 इतना कैपिटल ए को रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ए का कैपिटल कितना दिख रहा है भाई, 1,20,000। तो आप ही मुझे बताओ एडिशनल इसको कितना पैसा लाना पड़ेगा ए को बिजनेस में। यस, 1,68,000 और 1,68,000 आंसर बी को लॉक किया जाए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो हॉट सेट पे बैठे हो भाई, इतना धीरे धीरे थोड़ी चलेगा। एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 3/10, 1/5। एक्स रिटायर हुआ है तो इनका न्यू रेशो क्या रहेगा। सर हेलो सर, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा सर? डेफिनेटली डेफिनेटली, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग लेक्चर होने के बाद मैक्सिमम 4 घंटे में, मतलब आज आज रात तक कन्फर्म आपके सर को मिल जाएगा। आपके सर अपलोड जब करेंगे तो आपके कॉग्निटिव एकेडमी के एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आई कैंट सेंड यू डायरेक्टली, बट आपको मिल जाएगा, ये गारंटी। नाउ एक्स वाई जेड ये पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2, 3/10, 1/5। ओके, एक्स रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या रहेगा। सीधी सीधी बात, एक्स गया ना उसका रेशो भी गया, बचा कौन, ये दोनों 3/10 और 1/5। बेस सेम कर लेते, बेस सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से, क्योंकि बेस 10 करना इजी है ना, तो 2/10 क्या है रेशो इनका, 3:2, आंसर सी को लॉक किया जाए। सिंपल, जो जिसकी डेथ हो गई ना कट, जो रिटायर हो गया वो कट, बाकी जो बचे उसका रेशो निकालो। बस याद रखो हमेशा बेस, जब भी आप इस टू होते हैं ना, 3:2, 5:2, ये कंपेयर करते हुए बेस सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके बच्चों, कोई पार्टनर है और कोई पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, तो रिटायर होते टाइम इनको गुडविल राइटिंग ऑफ करना, मतलब क्या, उसकी वैल्यू जीरो कर देना। जैसे हम डिप्रिसिएशन लेते हैं बच्चों, एसेट की वैल्यू कम करते हैं उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन, वैसे ही गुडविल की वैल्यू खत्म करना, दैट इज राइटिंग ऑफ। तो यहाँ पे इनका कहना है कि कोई पार्टनर ऑलरेडी है बिजनेस में जो रिटायर हो रहा है और बैलेंस शीट दिख रही है गुडविल में, अरे गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में और वो ख़त्म करना है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है बच्चों, गुडविल एसेट है बराबर, अब गुडविल तो जा रहा है, गुडविल ख़त्म करना है, तो गुडविल को दे दिया जाएगा क्रेडिट। और एक ही आंसर है जिसमें गुडविल को क्रेडिट दिया है और सब पार्टनर्स का कैपिटल कम कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आंसर ए को लॉक किया जाए। गुडविल एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गोज आउट है ना, गुडविल जा रहा है, गुडविल की वैल्यू जा रही है, तो उसको क्रेडिट, सब पार्टनर को डेबिट। नेक्स्ट, नीति प्रीति स्वाति और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशो 70,000, ठीक है। एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन नाम का एक रिजर्व होता है, बेसिकली बच्चों रिजर्व बहुत सारे टाइप के होते हैं,
लेकिन फिलहाल के लिए हमें शॉर्ट में याद रखने के लिए याद रिजर्व का मीनिंग समझ लो, प्रॉफिट का ही पार्ट। बच्चों म्यूट कर लो जब तक कुछ काम नहीं है, आंसर नहीं देना है। पूछना है क्या कुछ? हाँ तो स्टूडेंट्स, रिजर्व का मतलब क्या? प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हम बाजू में निकाल के रखते हैं उसे बोलते हैं रिजर्व। तो रिजर्व के अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, हमें उससे लेना देना नहीं। मुझे फिलहाल ये समझ रहा है कि ये प्रॉफिट का पार्ट है, बाजू में निकाल के रखा है, ठीक है। देयर इज अ क्लेम ऑफ 25,000 अगेंस्ट इट। ओके बच्चों, इसके अगेंस्ट क्लेम भी है 25,000 का। अमाउंट ऑफ डब्ल्यू सी आर दैट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू नीतिस कैपिटल अकाउंट विल बी। तो नीति को कैपिटल का मतलब कितना क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली 70,000 इतना रिजर्व है, लेकिन फिर 25,000 का क्लेम है, मतलब 25,000 हमें एम्प्लॉयज को पे करना पड़ेगा। क्लेम है मतलब हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा भाई? यस 45,000, और हमें बोला हुआ है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सो 45 डिवाइडेड बाय 3, तो 15,000 नीति मैडम को क्रेडिट दिया जाए क्योंकि वो रिटायर हो रही है, तो उनको प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है। प्रॉफिट अगर दे रहे तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉफिट दे रहे तो भाई कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल के क्रेडिट में आया, ठीक है। नेक्स्ट, गोविंद हरि प्रताप आर पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ 24,000, गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। ओके बच्चों, अभी अभी हमने सेम क्वेश्चन देखा, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, वो अभी रिटर्न ऑफ खत्म करना है, तो एंट्री क्या करेंगे? डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड। ओके मतलब इन्होंने सिर्फ डेबिट के बारे में पूछा है। ओके इनको सिर्फ डेबिट के बारे में पूछना है। बच्चों हमने अभी अभी एंट्री की, आपको वो भी दिखा दूं, इधर गया। हाँ देखो, हमने डेबिट किसको दिया है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ऑल पार्टनर को डेबिट दिया, ऑल मतलब रिटायर होने के पहले वाले तीनों पार्टनर, गोविंद हरि प्रताप, तो ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल पार्टनर बोले तो ओल्ड रेशो ही आया ना, न्यू रेशो तो दोनों का होगा भाई एक जाने के बाद। ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है इक्वल रेशो है। एंड सीज रिटायरमेंट, ही शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:2। ओके बच्चों, तीन पार्टनर ए बी सी, उसमें से सी रिटायर हो रहा है और ए और बी उसी का शेयर 3:2 में लेके जा रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी विल बी, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। बच्चों पहली बात तो ए बी सी इनका ओल्ड रेशो तो आप समझ गए, कितना है बच्चों ओल्ड रेशो? एग्जैक्टली 1:1:1। अरे इक्वल है ना बच्चों? यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3:2, वो तो अलग है भाई, वो तो आगे की बात है। हमें क्लियर दिया है शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अब बताया कि सी रिटायर हो रहा है और सी का जो शेयर है, सी जो ले रहा था ना, उसका शेयर ये 3:2 में बांट लेंगे। ओके अब हम बात करते हैं सी के शेयर की। सी का शेयर था 1/3। ओके ये 1/3 के दो टुकड़े कर दिए उन्होंने, 3/5 और 2/5, इतना वो दोनों लेकर गए, बराबर ना। 1:1/3 शेयर था, वो दोनों ने 3:2 में बांट लिया। बच्चों करो तो मल्टीप्लिकेशन, 3/15 और 2/15, तो आंसर मिल गया 3:2। अरे नहीं 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 नहीं, बात सुनो बात सुनो, ये क्या हुआ, ये तो सी का शेयर हम ले रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल शेयर कितना है ए और बी का? 1/2, बराबर। ये तो था एडिशनल, ये शेयर मिला 3/15 और 2/15, ये तो एडिशनल शेयर मिला है नया वाला। ऑलरेडी अगर हम पार्टनर थे, हमारे पास 1/3 शेयर था ही, जो पार्टनर गया उसका भी हमने शेयर बांट लिया, तो वो तो ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे ऐड करेंगे? डायरेक्ट 3+1 4 लिख दूं? नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा भाई, मैथ्स के मास्टर बेटे यहाँ पे भाई, तो डायरेक्ट टोटल तो ले नहीं सकते। 15
अरे 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 वेट वेट वेट, 15 प्लस 6, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 15 मतलब 15 प्लस 3 प्लस 2 6, बेस में आ जाएगा 30, 15 × 2 30, तो ये आ गया 21/30। अगेन क्रॉस मल्टी, क्या हुआ सर? फिफ्टीन प्लस टू प्लस टू 2 × 2 4 हो गया और अपॉन 30 आ गया, मतलब यहाँ पे आएगा, अरे ऐसा कैसे हो गया, 15 प्लस 6, हाँ ये 30 आ गया बराबर, 15 प्लस 4 19, ये 30 आ गया, कुछ तो गलत है, एक मिनट, 1/2, अरे सॉरी 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 बच्चों, गलती से मिस्टेक हो गई, बड़ी मिस्टेक हो गई, शायद आपको भी वो ध्यान में नहीं आई। उनका ओल्ड रेशो कितना था बच्चों, ए और बी का? अरे हाँ, लेकिन 1/3 ना, तब तो तीनों पार्टनर थे ना, अब दो बचे हैं, लेकिन पहले तो तीनों थे, सो 1/3 में ये ऐड करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, 15 प्लस ये 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 24, और ये बेस आ जाएगा 45 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करने के ऑफकोर्स अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, तो जैसे भी आपको जो भी ट्रिक से सॉल्व करना है कर सकते हो, एट द एंड एक ही आंसर आने वाला है। तो 15 × 15 प्लस 3 + 2 6, तो ये आ गया 21, 15 × 3 = 45, तो 24 = 21, बच्चों किसके टेबल में आता है ये आंसर, दोनों के दोनों अमाउंट, 3 के टेबल में, 3 8 = 24 एंड 3 7 = 21, 8 is to 7, आंसर एक को लॉक किया जाए, ठीक है। कंसेप्ट अकाउंट्स वाली है, कैलकुलेशन मैथ्स वाला है, दोनों का कॉम्बो है, ठीक है, दोनों जिसका क्लियर है तो उसका बहुत फास्ट हो जाएगा काम। ऑन डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, बच्चों डिसोल्यूशन होने के बाद रियलाइजेशन के डेबिट में जितने भी एसेट से जो रियलाइज किए उसको डेबिट दिया जाता है, ऑल एसेट टू बी रियलाइज, ठीक है, जो एसेट्स हमें सेल करने हैं उसको डेबिट दिया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, फर्म ए एंड बी वॉज डिजोल्व ऑन 31 मार्च, डिजोल्व मतलब फर्म बंद हो गई, डायरेक्ट पूरा का पूरा दुकान बंद हो गया भाई, खत्म किस्सा 31 मार्च को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बी हैड एग्रीड टू अंडरटेक द डिजोल्यूशन वर्क फॉर एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 8000, मतलब ऑलरेडी एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था अगर बिजनेस बंद हो जाए तो बी जो पार्टनर है वो पूरा काम देखेगा बिजनेस बंद करने से रिलेटेड, मतलब डिसोल्यूशन से रिलेटेड, और उसको 8000 रुपये एक्सपेंसेस भी मिलेगा, रेमुनरेशन, वो काम कर रहा है ना, फर्म डिसॉल्व करना भाई छोटा काम नहीं होता, बड़ा काम होता है, उसके लिए 8000 रुपये उसको मिल रहा है। एंड बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 5000, तो जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर जर्नल एंट्री करनी है कोई भी एक्सपेंस हो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ही आता है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, मतलब चार ऑप्शन सही है अब तक, तो चार ऑप्शन सही है, और क्या बोला इन्होंने, बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कौन बियर करने वाला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बी, तो अगर बी कोई एक्सपेंस पे कर रहा है तो बी का कैपिटल बढ़ेगा, तो बी को क्रेडिट मिलेगा, आंसर इज डी, रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल। बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किया मतलब रियलाइजेशन को डेबिट आएगा तो फिक्स था, और ये बी पे करने वाला है इसलिए बी के कैपिटल को क्रेडिट आया। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, बच्चों अगर फर्म डिसोल्व हो गया मतलब बिजनेस क्लोज हो गया, तो बिजनेस क्लोज होने के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, कहीं पे भी नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट एक सेपरेट ड्रॉ किया जाता है बच्चों, पार्टनर्स लोन अकाउंट सेपरेटली ड्रॉ करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, उसका बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर, बच्चों ऐसी कुछ एसेट थे जो बिजनेस में रिकॉर्डेड ही नहीं थे और पार्टनर लेकर गए तो फायदे की बात है ना बच्चों, एसेट थी भी नहीं फिर भी लेकर गए, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट अगर बिजनेस में जाती है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा जाता है कन्फर्म, फिर वो रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन खत्म हुए, वैसे तो और भी क्वेश्चन है और आज के दिन प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, जस्ट ज्वाइन द लिंक विद इन अ मिनट, मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ, फटाफट से लिंक पे क्लिक करके
वो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके Recording in pro- recording stopped. Okay. Now, in the absence of agreement, profit and losses are divided by partners in the ratio of. बच्चों, अगर partnership deed silent है, तो profit sharing ratio क्या रहेगा? Yes, definitely. Answer is C, equally. फटाफट से बच्चों, आप chat box में ready रहो A, B, C answer देने के लिए. इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो कितना इंटरेस्ट रहेगा? यस यस यस, आंसर इज परफेक्ट सपना जी, जबरदस्त, ऐसे स्पीड भी मेंटेन रखो आंसर के साथ, गुड। इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर शाल, पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी नहीं देना पड़ेगा, जो काम करेगा उसको देना पड़ेगा, क्या रहेगा भाई? ओके ओके, सही आंसर, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कंट्ररी, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, आपको पूरी स्क्रीन पे सिर्फ नोट्स और मैं दिख रहा हूं ना? ओके ठीक है ठीक है। नाउ इन द एबसेंस ऑफ कॉन्ट्ररी द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं रहा, पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन देयर कैपिटल, सही है बच्चों? नहीं बोल रहे भाई? ओके 9% तो कहीं पे भी नहीं है। एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट, नहीं भाई, नॉट एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, आंसर डी को लॉक किया जाए। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, 0% अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो, ठीक है? कॉन्ट्रारी मीन्स मतलब ऐसा, ये कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मतलब एक्चुअली उस वर्ड का मीनिंग अपोजिट आएगा शायद से, हाँ। तो अगर मतलब कहने का मतलब यही है, और बच्चों प्रैक्टिकल रियलिटी में बोलूँ ना, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड ऐसे है इसमें भी आएंगे जो मीनिंग नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा अपना क्योंकि हमें थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में आ जाना चाहिए कि वो क्या पूछना चाहते हैं। आफरीन जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? ओके नेक्स्ट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल आर, करंट अकाउंट कब ओपन किया जाएगा? व्हेन द कैपिटल आर, यस यस, आई एम वेटिंग फॉर आंसर, चैट बॉक्स रेडी है, फटाफट से टाइप कर रहे हैं, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। ओके एक आंसर मिला जो गलत है, दूसरे आंसर का वेट कर रहे हैं और परफेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, आंसर इज फिक्स्ड। बच्चों अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहा तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके और पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम यूज करेंगे तो उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल एंड करंट। ठीक है नेक्स्ट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है भाई,
बोलिए। सिक्स्थ वन, आपके आंसर की स्पीड जितनी ज्यादा उतनी मेरी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, फाइनली आई गॉट द करेक्ट आंसर। मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बच्चों याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस अगर बोला ना तो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है? करंट अकाउंट में भरोसा नहीं भाई, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल। ओके बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, पार्टनर को बोला हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो किस में से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से, कैपिटल में से, या दोनों में से, या नॉन ऑफ दिस? आपका टाइम शुरू हो चुका है। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। बच्चों याद रखना, इट इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस में अगर लॉस रहेगा और आप पार्टनर को पैसा दोगे, ऐसा कैसे चलेगा भाई? पार्टनर बोले तो ओनर घर के आदमी है, प्रॉफिट हुआ तो भी पैसा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दिया तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट दे? यस यस यस, नहीं मिला मुझे अब तक करेक्ट आंसर, अभी भी नहीं मिला। चलो, so I'm giving the right answer now. Answer is A. अरे मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया कुछ देर पहले, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ना कहाँ पे है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कैसे सर, कैसे डेबिट में कैसे? अरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, पार्टनर ने पैसा लाया, ये हमारे लिए लायबिलिटी है कैपिटल नाम की, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना भी बी 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 टाइप कर लो, आंसर तो यही है भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, अगर इंटरेस्ट अलाउ किया कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, तो वो कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे? एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल, एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल, एट द एंड एंड में से कैपिटल माइनस करके, या फिर एवरेज कैपिटल? यस बच्चों, कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया रहा तो? कुछ देर पहले ये क्वेश्चन था भी नहीं, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि भाई ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया जाता है हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। पार्टनरशिप एक्ट, ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो आना ही चाहिए, एवरीवन्स आंसर शुड बी राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है? यस यस यस, इट इज 1932। ओके नेक्स्ट, गुडविल इज, बच्चों बोलो फटाफट से, गुडविल इंटेंजिबल है, करंट है, अदर करंट है, फिक्टिशियस है? यस, सही जवाब, इट इज इंटेंजिबल एसेट विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। गुडविल इज अफेक्टेड बाय, गुडविल किस चीज से अफेक्ट करता है? लोकेशन से, इफिशियंसी से, या क्वालिटी से? वेरी नाइस वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस भाई। लोकेशन एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में, बिजनेस का गुडविल बढ़ जाएगा। इफिशियंसी भाई, मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है, नाम बढ़ जाएगा बिजनेस का। क्वालिटी प्रोडक्ट है भाई, क्वालिटी से जाना जाता है हमारा नाम, कहीं पे भी पूछ लो, ऑब्वियसली गुडविल बढ़ जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट विच कवर द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। चलो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है आपके लिए, मैं ही बता देता हूँ, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या भाई? बाकी दुनिया में मतलब हमारे कंपटीशन में, हमारा जो एनवायरनमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें नॉर्मली जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज़्यादा अगर हमने कमाया, उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है? नेक्स्ट,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ, बच्चों गुडविल का वैल्यूएशन कब करना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तब? यस, वेरी नाइस. यस, एक्चुअली मैंने सिखाया हुआ है आपको नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का, जिसमें नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन मुझे लगा आपको याद नहीं होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई. आप हमारे प्रीवियस एपिसोड देख लेंगे, रिवीजन के ही बोल रहा हूँ मैं. आई थिंक फर्स्ट एपिसोड या सेकंड में ही मिल जाएगा आपको, आज फोर्थ है ना, तो फर्स्ट या सेकंड में ही आपको मिल जाएगा डेफिनेटली कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन मैंने सिखाया. नेक्स्ट, नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म. नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म, टोटल टेंजिबल एसेट वगैरह वगैरह. चलो चलो करो ट्राई. I think total tangible assets minus outsiders liability. Total tangible assets में से अगर हम outsiders liability minus कर दे तो हमें net tangible assets मिलता है. ठीक है, next ऐसे ही रफ्तार बनाए रखो. हमारे पास टाइप और जितने भी क्वेश्चन है आज एंड तक हम करेंगे, आज के एंड तक. ठीक है, हमारे पास टाइम है ना, अभी जितना भी टाइम हमारे पास है पूरा हम इसी के लिए यूटिलाइज करेंगे आज. नाउ अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म. ओके, न्यू पार्टनर कैसे ऐड कर सकते हैं? विदाउट कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है. विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी एक को पूछ लो. विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर को पूछना पड़ेगा. ओके, आंसर इज सी. बच्चों नए पार्टनर को अगर ऐड करना है तो ऑल पार्टनर का कंसेंट लगेगा. ठीक है, यस यस. व्हाट्सएप पर क्वेश्चन है? नहीं, एक्चुअली अभी नाउ माय व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग. इफ यू वांट टू सेंड, टेलीग्राम पे सेंड करो भाई. टेलीग्राम पे के कॉमर्स अकेडमी सर्च कर लो, मिल जाएगा. उस पर सर्च करो, या फिर बच्चों आप बाकी जो व्हाट्सएप पे हो मुझे सेंड कर दो, जो ऑलरेडी ज्वाइन है मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे. माय व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग नाउ. ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर ऐड हुआ, ओल्ड फर्म हैज़ टू बी डिसॉल्व. नया ओल्ड वाला फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ेगा, दोनों भी डिसॉल्व करना पड़ेगा, दोनों भी डिसॉल्व नहीं करना पड़ेगा. ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप डिसॉल्व करना या फर्म डिसॉल्व करना, इसमें फर्क होता है. ठीक है बच्चों, अगर किसी पार्टनर को एडमिट किया, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया, ये सब सिचुएशन में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होता. पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब क्या? पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होना, सिंपल सी बात, कोई भी चेंज होना, तो वो हुआ पार्टनरशिप में चेंज. लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मतलब पूरा बिजनेस बंद, सबके सब पार्टनर अलग हो गए और बिजनेस बंद हो गया, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया. यस, कोई कुछ पूछ रहा था? टेलीग्राम पे सेंड किया है क्या किसी ने? Just a minute. नहीं भाई, अब तक तो कुछ आया ही नहीं. आगे हाँ स्टूडेंट्स, अगर सिंगल क्वेश्चन है छोटा सा तो चैट बॉक्स में भेज दो, या फिर इतने क्वेश्चन चल ही रहे ना यार, प्रैक्टिस तो हो ही रहा है. इसके बाद भी आप मुझे भेज दोगे तो मैं आंसर दे दूंगा लेक्चर के बाद भी. ठीक है, When a new partner bring his share of goodwill in cash, अगर नए पार्टनर ने गुडविल कैश में लाया, अमाउंट इज डेबिटेड टू. ऑब्वियसली अगर वो कैश लाया तो कैश को ही डेबिट देंगे ना यार. नेक्स्ट, When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, बच्चों ऐसा होता है कभी कभी कि न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड तो हुआ लेकिन उसने गुडविल कैश में नहीं लाया, तो ऐसे सिचुएशन में कौन से अकाउंट को डेबिट दिया जाए? गुडविल अकाउंट को डेबिट दिया जाता है. ठीक है,
गुडविल अगर कैश में लाया तो कैश को डेबिट, और कैश में नहीं लाया तो गुडविल अकाउंट को डेबिट। नेक्स्ट, ठीक है ना, इधर गया रे, हाँ, गुडविल ब्रॉट इन कैश विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन। बच्चों अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाया, ठीक है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? आंसर इज सैक्रिफाइस रेशियो। और बस उसी के लिए, अरे नहीं नहीं ओल्ड नहीं भाई, बस ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। सैक्रिफाइस रेशियो बच्चों याद रखो, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का एक ही रीजन है जिंदगी में, सिर्फ गुडविल शेयर करना। न्यू पार्टनर लाया तो गुडविल कैसे बांटे, उसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो होता है। नेक्स्ट, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एडमिशन के टाइम पे कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, मतलब लाइबिलिटी थी लेकिन लिखना रह गया, तो अब उसका क्या करें? बच्चों अब ऐसे सिचुएशन में उसका एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू डेबिट इट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों अगर एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाता है। इनकम्स एंड गेंस हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा जाता है। अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने लिखा था अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो हमने क्या लिखा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, नुकसान की बात है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला नहीं मिला, आंसर अभी तक नहीं मिला, फाइनली मिल गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यस, आप ये रिपीट करने के लिए बोल रहे हो ना, ठीक है। बच्चों अगर बिजनेस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो आप, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा? जस्ट अ सेकेंड, नहीं 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 एक सेकेंड, मेरे हिसाब से अनरिकॉर्डेड एसेट, सिंपल एक फंडा है कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट अगर रहा, फायदे की बात है, फायदे की बात है, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान की बात है, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरा स्टैंड तो यही है, बट स्टिल आई विल चेक इट वंस अगेन। ठीक है, मैं आपको वापस एक बार चेक करके कंफर्मेशन दे दूंगा, जब तक अगर मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया तो ये आंसर राइट है। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस आया तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर? ओके, आता हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे भी, फिलहाल ये वाला आंसर दो। यस 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 यस, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, आंसर इज ए ओल्ड पार्टनर्स। बच्चों प्रॉफिट अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अब सवाल ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? ओके बच्चों, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में एड हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, ओके, जब नया पार्टनर एड होता है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेक की जाती है और वो चेंज की जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू दिख रहे हो सालों से वही है, चेंज नहीं किया, तो एसेट का वैल्यूएशन चेंज किया जाता है, इसलिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ किया, अगर बिजनेस में एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, सीधी सीधी बात, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस, फायदे की बात है तो क्रेडिट में, तो फायदे की बात क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट मिल गया, लिखा हुआ नहीं था, अचानक से एसेट मिला, फायदे की बात है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अरे यार लिखा हुआ नहीं था लेकिन किसी का लायबिलिटी पे करना बाकी है, अभी पता चला, तो नुकसान की बात है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेंड है किया है भाई, क्वेश्चन देखो बच्चों, जॉन एंड जेम्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली,
जैक इंटर इनटू द पार्टनरशिप एंड कंट्रीब्यूट अ लैंड हुज हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 50,000, बुक वैल्यू इज 25,000 एंड करंट मार्केट वैल्यू इज 30,000, बाय व्हाट अमाउंट जैक्स अकाउंट शुड बी इंक्रीज। ओके बच्चों देखो, नया पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी बिजनेस में अगर कैपिटल लाना चाहता है तो कैपिटल लाने के दो तरीके हैं, एक तो कैश में लाओ नहीं तो एसेट में लाओ, फिर एसेट कोई भी हो सकती है, लैंड है, बिल्डिंग एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हिस्ट्री में जब वो लैंड परचेस किया होगा तब की प्राइस, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो वो 50,000 में था पहले जब लिया था। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब आज के डेट में वो बैलेंस शीट में कितने वैल्यू पे दिख रहा है, वो है 25,000 और करंट मार्केट प्राइस है 30,000। तो जब नया पार्टनर लैंड लेकर आएगा ना बिजनेस में तो उसकी आज की वैल्यू मतलब करंट मार्केट प्राइस कंसिडर की जाएगी जो है 30,000। ठीक है, तो यस आंसर जो मार्क किया है सही है, हिस्टोरिकल का तो दूर दूर तक संबंध नहीं है। जब नई चीज़ आती है मतलब नए एसेट वगैरह लाते हैं जिस प्राइस पे आज वो है करंट मार्केट वैल्यू उस पे वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट शुड बी चार्ज टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज 1 lakh, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज 1,000 एंड प्रोविजन टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। बच्चों ये क्वेश्चन वापिस रीड कर रहा हूँ, कौन सा रिपीट करूँ भाई, ये वाला? यस यही वाला पूछ रहे हो क्या? ओके अरे सिंपल बात है, नया पार्टनर बिजनेस में आया ना, उसने अगर कोई एसेट लाई तो एसेट की आज की वैल्यू जो है उस पे वो लेंगे, उस पे वो दिखाएंगे हम, मतलब करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, बाकी कोई भी वैल्यू मैटर नहीं करती क्योंकि आज पार्टनर आया, तो आज के डेट में अगर देखा तो उसने 30,000 का लैंड लाया ना, आज की वैल्यू क्या है 30,000, मतलब एज गुड एज उसने 30,000 का कैपिटल लाया बिजनेस में, बराबर, तो इसलिए आज का प्राइस लिया जाएगा, मतलब 30,000। नेक्स्ट, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट शुड बी चार्ज टू करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों कितना अमाउंट, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्या होता है पहले तो ये याद दे देता हूँ। बैड डेट्स मतलब क्या, कस्टमर से पैसे लेने थे वो डूब गए, उसे बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मतलब इतने पैसे डूब सकते हैं, डूबने की प्रोबेबिलिटी, कन्फर्म नहीं पता इतने पैसे डूबने के चांसेस है, तो उसके लिए प्रोविजन की जाती है। ठीक है, हमें बोला हुआ है कि प्रोविजन हमें मेंटेन करना है 5% पे, आप एरो पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 5%, 5% प्रोविजन हमें मेंटेन करना है। और डेटर्स कितने हैं एंड में, 1 lakh। बच्चों 1 lakh अगर डेटर्स है तो उसका 5% कितना आएगा, 5,000, बराबर ना, 5,000 इतना हमें प्रोविजन मेंटेन करना है। और हमें बताया गया है कि ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का 1,000, मतलब 5,000 प्रोविजन मेंटेन करना है और 1,000 ये ऑलरेडी बैलेंस है डेटर या प्रोविजन का, तो एडिशनल 4,000 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ओके आंसर इज 4,000। भाई सिंपल बात है, 1,000 का प्रोविजन करके रखा है, 5,000 तक हमें लेके जाना है, मतलब 5%, तो एडिशनल 4,000 का प्रोविजन हम बनाएंगे। यस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपने भेजे थे, इसका भी सॉल्यूशन मिल गया, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे इसका भी सॉल्यूशन मिल गया, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बच्चों। बाकी पार्टनरशिप तो ये नेवर एंडिंग है, मैक्सिमम अगर आपको कुछ डाउट्स हो गए तो मुझे आप रिप्लाई करो, मैक्सिमम कल का दिन हम स्पेंड कर सकते हैं पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं है डाउट तो हम आगे जाएंगे, और मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट वी विल सॉल्व, अदरवाइज भाई बहुत सिलेबस पड़ा है, हम आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये FAA के क्वेश्चन थे, यस, वन ऑफ द स्टूडेंट सेंड मी, देखो भाई ये जो भी बुक होगा JKSSB, तो ये JKSSB का है, यस ये आपको सेंड कर दो, ऐसा डन, ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो JKSSB के ही बुक्स का है, अलग अलग पब्लिकेशन हो गया, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन से टीचर से है, कौन सा पब्लिकेशन है, हमें प्रैक्टिस से मतलब है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन मिला और वो भी स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम का मिला, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कल के दिन हम पार्टनरशिप देखेंगे, फिर पार्टनरशिप को कर देंगे अलविदा।
सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट एपिसोड ऑन टाइम, डोंट बी लेट बच्चों। और बाकी लोगों को भी बताओ यार, लाइव क्लास अटेंड करो तो वो मज़ा अलग ही होता है। आप जब आंसर देते हो, आप जब गलती करते हो, आप जब सुधर जाते हो, ये सब फील अलग ही होता है। ठीक है, सो सी यू टुमारो ऑन टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंजॉय बच्चों।